हेलो गाइस, यू आर वाचिंग क्लैश विद संदीप। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमारा करंट इवेंट चल रहा है, ग्रेव गार्ड्स का बेस्ट डेक कौन सा हो सकता है। तो फिलहाल मेरे को ये डेक काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। इस डेक में मैं बैटल हीलर का यूज़ करने वाला जो कि काफ़ी ज़्यादा इंसेन है। तो चलिए आपको मैं कुछ रिप्लेस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो मेन कार्ड होने वाला है फोकस, वो होगा हमारा वॉल्केरी, बैटल हीलर और साथ ही साथ यहाँ पे मेगा नाइट होगा। और हमारे अपोनेंट को जो उनका टावर है उनको डायरेक्ट टारगेट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं गोब्लिन बैरल, और साथ बस गोब्लिन बैरल यूज़ करेंगे। और स्पेल्स में हम दो चीज़ ले रहे हैं, एक फायरबॉल और दूसरा एरोज। एरोज का इस अपडेट में 25% डैमेज वैसे भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो अगर बस इसमें डेक में बस एक ही कमी है कि इस डेक में ओनली मैं एक ही ट्रूप्स यूज़ कर रहा हूँ जो एयर और ग्राउंड को दोनों को टारगेट कर सकता है। बट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एरोस को हटा के यहाँ पे विजार्ड ले सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंसेन हो जाएगा। आप ये डेक ओनली यहाँ पे जो हमारा करेंट इवेंट चल रहा है उसमें ही यूज़ कीजिएगा ग्रेव गार्ड्स। और चाहे तो आप 2v2 बैटल में भी ये डेक यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2v2 बैटल में ये डेक यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे किसी एक कार्ड को रिप्लेस करके विजार्ड ले लीजिएगा, या तो मैजिक आर्चर जो कि एयर ट्रूप्स को इजीली टारगेट कर सकेंगे। तो आपको मैं कुछ रिप्ले शो कर देता हूँ जो मेरा मतलब जो मेरे लास्ट अटैक्स थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी इंसेन था। मैंने इसमें बैटरी हीलर का यूज़ किया गया था, ईजिली वॉन कर गया था। तो यहाँ पे जो आपका इसमें क्या होता है कि आपके इसमें गार्ड्स रिस्पॉन होते हैं, बट यहाँ पर आपको गलती से भी स्पार्की या आपको एलिक्सर गोलम या गोलम यूज़ करना ही नहीं करना है, क्योंकि उसको काउंटर करना इतना ज़्यादा इजी हो जाएगा। कैसे बता देता हूँ, उनको काउंटर हम आपको करना ही नहीं पड़ेगा, इजीली गार्ड से जो रिस्पॉन होते हैं वही सभी इजीली काउंटर कर देंगे। तो अभी मेरा जो बैटल स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में वो प्ले करते बेबी ड्रैगन, बट उसको काउंटर करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता है। तो मैं बेबी ड्रैगन को फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैटल हीलर और साथ ही साथ यहाँ पे गॉब्लिन मतलब बैरल यूज़ करता हूँ। बट मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि उस बंदे के पास आर्चर है, सो मतलब लॉक्स था। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मेरा जो राइट टावर था उस पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ चुका था, और जो मेरा लेफ्ट टावर था उस पर भी थोड़ा डैमेज आ चुका था। बट अभी तक मैंने हार नहीं मानी थी, उस बंदे को लग रहा था कि इस दिस मोमेंट वो जीत सकता है। बट यहाँ पे दोबारा से मैंने बैटल हीलर प्ले किया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बैटल हीलर स्टार्टिंग में प्ले नहीं करना है, किसी कार्ड के पीछे प्ले करना है। अब देख सकते हैं कितनी आसानी से वो हील कर रहा है, तो बैटल हीलर हील कर रही है यहाँ पे बेबी ड्रैगन को। तो फिर बंदे ने प्ले कर दिया गोलम को, यही गेम का टर्निंग पॉइंट था। उसके पास एलिक्सर की कमी होने लगी जिसकी वजह से वो लॉग यूज़ नहीं कर पाया, बट तब भी उसके पास जैप था। तो इस तरफ में इन्हें यूज़ किया मेगा नाइट, और साथ ही साथ यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला था एरोस, और यहाँ पे गोलम को हमने मैक्सिमम मतलब डैमेज दे ही चुका था। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेट करने के बाद मैंने यहाँ पर एक वॉल्केरी यूज़ किया। अब मैं वॉल्केरी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो गार्ड्स को ईजिली डैमेज दे सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते, वीडियो पॉज कर देता हूँ, यहाँ पे दोनों टावर पे डैमेज देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दोनों टावर पे डैमेज आ चुका है। बट मैंने जो राइट टावर था उसके ऊपर पुश बिल्कुल भी नहीं किया, तो जो गार्ड्स रिस्पॉन हो रहे उन्होंने ऑटोमेटिक जो राइट टावर है उस पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया था ऑलरेडी। बट ये मेरा पहले ही फर्स्ट टावर को ईजिली डाउन कर देता है। बट तब भी हमारे पास एडवांटेज था कि हमारा जो मतलब जो अपोनेंट का दोनों टावर था उस पर काफ़ी ज़्यादा हमने डैमेज दे चुका था। और यहाँ पर जैसे ही वो प्ले करता है लंबर जैक, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि इसका हिट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पर जब उसने दो बार गोलम प्ले किया तो काफ़ी ज़्यादा लिजर लॉस में चला गया, और ये हमको मिल गया पहला टावर, और साथ ही साथ हमको दूसरा टावर भी इजीली मिलने ही वाला था। यहाँ पे जो बैटल हीलर है उसका मेन सबसे प्रॉब्लम है कि उसको एयर ट्रूप्स इजीली डाउन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक और फिर बैटल हीलर प्ले किया जो कि हमारे जो गार्ड से और जो हमारा मेगा नेट है उसको हील करेगी। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट भी मेन टावर पे फोकस किया, बट उसने दोबारा से गोलम को प्ले कर दिया। मतलब एलिक्सर लॉस हो रहा है बंदे का, तब भी बंदा प्ले किए जा रहा है एलिक्सर गोलम। तो यहाँ पर सॉरी मतलब गोलम, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे को कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, गार्ड्स बस मैंने गार्ड्स ऑटोमेटिक उसको इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया था गोलम को, गोलम डाउन। और साथ ही साथ जो मेन टावर था उस पर भी काफ़ी ज़्यादा आ चुका था डैमेज। तो यहाँ पर अगर आपके पास बैटल हीलर अनलॉक है तो उसको स्टार्टिंग में प्ले मत कीजिएगा, कोई ट्रूप आगे डालिए उसके पीछे बैटल हीलर प्ले कीजिए। तो यहाँ पर हमने पहला बैटल ईजिली वॉन कर लिया था।
ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। यहाँ पर आपको मैं एक और बैटल मतलब अपना एक और रिप्ले शो कर देता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त था ये भी। तो यहाँ पर भी मैं यूज़ करने वाला था सेम डेक, बट यहाँ पर हमको यही एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास एयर ट्रूप में एक ही कार्ड था, वरना बाकी सब तो ठीक ही था। अगर हम दो कार्ड यूज़ करते थोड़ा एडवांटेज हमको हो सकता था। तो यहाँ पर मैं भी स्टार्टिंग में बेबी ड्रैगन मैंने प्ले किया क्योंकि मैं बैटल हीलर को थोड़ा लेट से प्ले करना चाहता था। फिर मैंने वॉल्केरी को काउंटर करने के लिए यहाँ पर बैटल हीलर प्ले किया जो कि एकदम से ठीक ठाक चल रहा था। यहाँ पर बैटल हीलर इजीली वॉल्केरी को काउंटर कर रही थी, बट इस तरफ जब उसने नाइट डाला तो इसको काउंटर करने के लिए मैं वॉल्केरी सोच रहा था, बट मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैंने बैटल हीलर के साथ साथ यहाँ पर वॉल्केरी डाला और यहाँ पर गोब्लिन बैरल भी मैंने प्ले किया थोड़ा एडवांटेज के लिए, बट बंदे ने प्ले कर दिया था मेगा नाइट और जो उनका मतलब टावर था वो हमारे बैटल हीलर पे अनलॉक हो गया था। बैटल हीलर को उन्होंने इजीली डाउन कर दिया, बट यहाँ पर मैं एरोस का यूज़ किया यहाँ पे जो गोब्लिन्स थे उनको डाउन करने के लिए और हमारे गार्ड्स ने इजीली मेगा नाइट को डाउन कर दिया। एट दिस मोमेंट मैंने थोड़ा सोचा यहाँ पे कौन सा गार्ड प्ले करूँ, मेगा नाइट या यहाँ पे बेबी ड्रैगन प्ले करूँ। फिर मैंने यहाँ पे बेबी ड्रैगन प्ले किया, बट बंदे ने लून डाला और मेरे पास, अब मैंने आपको बताया मेरे पास एयर ट्रूप्स को टारगेट करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने फायर बॉल को प्ले किया, बट तब भी उसके लून्स ने दो बार हमारे टावर को हिट कर दिया था। बट हमने तब भी इतना ज़्यादा मतलब हैवी पुश किया था, मतलब आप ये डेक से काफ़ी अच्छा पुश कर सकते हैं और पहला टावर हमको इजीली मिल चुका था। बैटल हीलर आप देख सकते हैं कितना मस्त काम कर रही है, हमारे बेबी ड्रैगन को हील भी कर रही है साथ साथ और अटैक भी कर रही है। इस तरफ बंदे ने दोबारा मेगा नाइट प्ले किया। अब बस मेरे को इससे एक बात का डर था कि अगर वो लून्स दोबारा प्ले करता है तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से बैटल हीलर डाला और यहाँ पे बैटल हीलर मेरे नाइट को हील कर रही है और साथ साथ जो गार्ड्स आ रहे हैं उसको भी हील कर रही है। तो फिर मैंने विजार्ड को काउंटर करने के लिए यहाँ पे मैंने वॉल्केरी डाला जो जिसने एकदम काफ़ी मस्त काम किया, विजार्ड को ईजिली काउंटर कर दिया और साथ ही साथ फिर बंदे ने दोबारा से लून्स डाल दिया जो कि मेरे को डर ही लग रहा था इसी बात का कि लून डालेगा प्रॉब्लम हो जाएगी, बट मैंने फायरबॉल को यूज़ किया, लून को ईजिली डाउन कर दिया, बट वो टावर के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका था। अब यहाँ 51 सेकंड से कुछ करीबन टाइम बाकी था और यहाँ पे विजार्ड भी हो चुका था डाउन। फिर दोबारा मैंने यहाँ पे बैटल हीलर प्ले किया और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे वॉल कैरी का भी प्ले किया यहाँ पे। तो यहाँ पे फिलहाल हर चीज़ एकदम नॉर्मल चल रहा था। बंदे ने दोबारा से लून डाला, उसको दोबारा काउंटर करने के लिए मैं सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करने वाला था, लून सॉरी फायरबॉल और साथ ही साथ यहाँ पे यूज़ करने वाला था एक बेबी ड्रैगन। तो यहाँ पे टावर पे ऑलरेडी 148 हिट पॉइंट बाकी था, तब भी हम देख सकते हैं वो बंदा फुल ट्राई कर रहा है उस टावर को लेने के लिए एक परसेंटेज, बट यहाँ पे हमने वॉल्केरी प्ले किया और साथ ही साथ बैटल हीलर को भी। अभी बैटल हीलर काफ़ी मस्त काम कर रही थी, हमने कुछ एरोज डाले, ओनली 10 सेकंड्स लेफ्ट थे और ये हमको दूसरा टावर भी मिल गया। अब बैटल हीलर काफ़ी ज़्यादा ओप कार्ड है, अभी इसको यूज़ कर लीजिए अभी बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम है क्योंकि क्या पता नेक्स्ट अपडेट में क्या पता इसको नर्फ कर दे, इसका हिट पॉइंट या डैमेज कुछ ना कुछ तो कम हो ही सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा, आप चाहे तो ये डेक यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्त डेक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।